जय हिंद दोस्तों, हमें हरिनगर लोहागढ़ साइड पलवल में जो ये रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है 5 साल हो चुके हैं, छठी साल इसको चल रही है। आप देख ही सकते हो इसकी लास्ट डेडलाइन जो 31 दिसंबर रखी गई थी, आज 22 दिसंबर है, एक सप्ताह रह गया है बस। एक सप्ताह में क्या आपको लगता है ये फ्लाईओवर चल जाएगा? मैंने खुद यहाँ के ठेकेदार से बात की है, वो कह रहे हैं अभी तो इसको 1-2 महीने लगेंगे कम से कम। बस बैसलात की जनता को पागल बनाया जा रहा है। मंत्री जी कह रहे थे सितंबर को गाड़ी उतर जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ उसका काम आप उस सड़क पैरेलल ये करोगे, ठीक है? मतलब 20-25 दिन बाद मैं गाड़ी लेके आऊँ तो कच्ची पे मेरी गाड़ी उतर जाए, कच्चे पे उतर जाएगी सर, ठीक है ना? उतर जाएगी, बसी रहेगी। आज क्या तारीख है? आज सब चार है। 25 तारीख को मैं आऊंगा, ठीक है? मेरी गाड़ी इस पे से कच्चे पे उतर जानी चाहिए। 25 तारीख को मैं आऊंगा, ठीक है? 25 तारीख को मैं आऊंगा, ठीक है? 25 तारीख को मैं आऊंगा, ठीक है? मेरी गाड़ी इस पे से कच्चे पे उतर जानी चाहिए, बिल्कुल उतर जाए, ठीक है ना? बिल्कुल। दिसंबर को गए, पूरे 3 महीने हो गए, आज 22 दिसंबर है और इस फ्लाईओवर का कुछ नहीं होने वाला। बहुत बुरा हाल है इसपे। जनता को सिर्फ पागल बना के विश्वास दिलाया जा रहा है कि नई साल पे आपको इस फ्लाईओवर की सौगात मिल जाएगी। मैं पूरे फ्लाईओवर की पूरी अपडेट दिखा रहा हूँ आपको, क्या हाल है इस फ्लाईओवर का पूरा। यहाँ तक आप देख सकते हो कैसे जनता को पागल बनाया जा रहा है। दूसरी साइड तो काली सड़क डाल दिया, लेकिन इस साइड बहुत काम है अभी इस फ्लाईओवर पे, पूरे पे आप देख ही सकते हो नीले बोर्ड तक। अभी तो बहुत ज़्यादा काम है इधर। जय हिंद दोस्तों, आज हमें पलवल के रसूलपुर फ्लाईओवर पर, आप देख ही सकते हो नई साल पे इसका उद्घाटन होना है और अभी भी 3 जॉइंट भरे हुए नहीं है, आप देख ही रहे हो। सरकार बोल रही है कि 1 तारीख को नई साल से ये पुल चला दिया जाएगा, पता ही नहीं कैसे चल जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है किधर से भी। आप देख रहे हो पूरे फ्लाईओवर हरिनगर लोहागढ़ साइड बहुत काम है। 3 महीने पहले आज से सितंबर को मंत्री जी की गाड़ी उतर रही थी और अब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी देख के लगता नहीं है कि मंत्री जी की गाड़ी उतर जाएगी, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितना बुरा हाल है इस फ्लाईओवर पर। यहाँ की जनता तो सो चुकी है इस फ्लाईओवर को लेके, और सरकार भी इसको लेके कोई एक फिक्स डेट नहीं धर पा रही। किसी भी नेता से पूछ लो वो नहीं बता पाएगा ये फ्लाईओवर कब चल जाएगा, इसकी डेडलाइन बढ़ती रहती है। कोई कहता है नई साल को चल जाएगा, लेकिन नई साल के भी अब 1 सप्ताह बचा है, क्या किस भाई को लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये चल जाएगा? क्योंकि अभी देखने से पता चल रहा है कि बहुत काम है इस फ्लाईओवर पर, जो 1 सप्ताह के अंदर नहीं हो पाएगा जल्दी सी। बस जनता को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको पूरी अपडेट दिखा रहा हूँ इस फ्लाईओवर की। पलवल की साइड मतलब दूसरी साइड तो काली सड़क गिर दी है, लेकिन इधर बहुत काम है। रेलवे लाइन से उल्ली साइड हरिनगर ओवर साइड बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत परेशान हैं, रोज गिर रहे हैं, मर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। जय हिंद। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram और Twitter हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक संस्थाएँ हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।